आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले। जैसे हमारा सवाल नंबर 22 है, सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। रुपीज 4800 बिकम 7500 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 इयर्स 8 मंथ्स। कहने का मतलब है कि 4800 रुपए, ये क्या है आपका 4800 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। और ये 4800 रुपए प्रिंसिपल आपके 7500 रुपए अमाउंट बन जाते हैं, और समय लगता है 2 इयर्स 8 मंथ का, 2 साल 8 महीने का समय लगता है इस प्रक्रिया में, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देन हाउ मेनी इयर्स, तो बताइए कितने सालों में 19200 रुपीज 19200 रुपए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 37500 रुपए बन जाएंगे, 37500 रुपए बन जाएंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अच्छा क्वेश्चन है, यह गौर से समझना। चलिए आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन देखने के बाद आपको सवाल आसान लगता है, लेकिन आप इस सवाल को खुद से करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल थोड़ा ट्रिकी बनाया है, ध्यान से समझना। अब 4800 रुपए 7500 रुपए हो जाते हैं 2 साल 8 महीने में, तो क्या कितना हुआ 4800 रुपए 7500 रुपए बन गए, तो क्या रेशियो, ये रेशियो है तुम्हारा 25:16, यानी कि 25/16 गुना हो गए 2 साल 8 महीने में, 25/16 गुना हो गए 2 साल 8 महीने में। 25/16 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5/4 × 5/4 कितना होता है 25/16 ही तो होता है। तो 25/16 होने में 2 साल 8 महीने का समय लगता है। तो मुझे ये बताओ कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से कंप्लीट साइकिल सेम स्केलिंग फैक्टर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5/4 गुना होने में, 5/4 times होने में 1 year 4 months हाफ टाइम लगा होगा, 1 year 4 महीने लगेंगे, 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना हुआ, फिर अगले 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना, टोटल 2 साल 8 महीने में 5/4 × 5/4 25/16 गुना हो गया। ये मुझे पता चल गई, ये इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये 19200 37500, तो देखिए रेशियो कितना, जिसको काट लेंगे 3 से काट लेंगे 64, 3 से काट लेंगे 125, 64:125 का रेशियो है, 64:125 का रेशियो है, 64:125 का मतलब ये 4³ और ये तुम्हारा 5³, 4³:5³ चल रहा है, क्या चल रहा है 4³:5³, यानी कि 4 से 5 जो है 4³:5³ का मतलब कितना, 4³:5³ का मतलब 5/4³, ये तो मतलब है 4³:5³ का मतलब, यानी कि 64:125 में 5/4 × 5/4 × 5/4 टोटल 3 साइकिल लगेंगी, 5/4 × 5/4 × 5/4 5/4 गुना होने में 1 साल 4 महीने का समय लगता है, तो 5/4 × 5/4 × 5/4 में 1 साल 4 महीने का क्या 3 गुना समय नहीं लगेगा, तो 1 साल × 3 कितना हो गया आपका 3 इयर्स हो गया, और 4 मंथ × 3 आपका 12 मंथ्स हो गया, 12 मंथ्स का मतलब भी 1 साल ही होता है, तो 3 साल + 1 साल टोटल टाइम कितना आ गया इस क्वेश्चन का 4 साल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 इयर्स होगा। क्लियर है सभी को बात समझ में? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम स्केलिंग फैक्टर होगा, 125/64 है, तो 5/4³ हो रहा है, 19200 से 37500 कितना है आपका 5/4³ ही तो है, 5/4³ मतलब 5/4 × 5/4 × 5/4, तो टोटल समय कितना लगेगा 3 गुना, यानी कि 3 साल 12 मंथ, यानी कि 4 इयर्स। क्लियर है सभी को समझ में आया, आसान से सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सवाल नंबर है आपका 23, या सवाल नंबर 23 से लेकर 30 तक लगभग सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको क्या दिया हुआ है सवाल में। ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज इन ए बैंक फॉर 2 इयर्स विच गिव 5% इंटरेस्ट इन 1 ईयर एंड 6% इंटरेस्ट इन ईयर 2, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स इज ₹24486, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन बैंक नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है, तो हम इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट मानकर ही सॉल्व करेंगे। 2017 मेंस के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौर से समझना। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं आप इस सवाल को 3 तरीके से बताऊंगा, आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए। पहला मेथड क्या है आपका, पहला तरीका है आपका कि बैंक जो है पहले साल कितना इंटरेस्ट देता है 5%, बैंक जो है सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट देता है 6%, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज पर ही ब्याज है। पहले आपके प्रिंसिपल पर 5% ब्याज मिलेगा, फिर आपका पहले साल के एंड का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ब्याज पर ही ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर पहले साल 5% दूसरे साल 6% आपको ब्याज मिलता है, तो क्या मैं आपको 2 इयर्स का CI नहीं निकाल सकता कि 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो 2 साल का CI क्या हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, x + y + x × y/100%। वर्बली सोच सकते तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.3%, यानी कि 2 साल में आपको प्रिंसिपल पर 11.3% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 2 साल में आपको 11.3% CI मिला, 11.3%। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है 11.3% का आपको CI मिलेगा, क्लियर है, कोई डाउट ना। आपको दे रखा है कि 2 साल के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 2 साल बाद, तो आपसे क्या पूछा, आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल अगर आपका 100% है 100%, तो आपको 2 साल में CI कितना मिला है 11.3%, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता अमाउंट, आपका अमाउंट हो जाएगा एड कर देंगे 111.3%, अमाउंट कितना हो जाएगा 111.3%, और जो कि रुपए में कितना दे रखा है 24,486 रुपए, 24,486 रुपए।
आपसे अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछिए तो कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा के पहले यहां पे जीरो बढ़ा लो। देखिए अभी 101113 है, देखो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। यहां पे यूनिट डिजिट 3 है, यहां पे यूनिट डिजिट 6 है, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो देखो 3 दूनी 14 22 बार जाएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि देखिए आंसर परफेक्ट इंटीजर में दिखाई दे रहा, कट रहा है तो पहले दो बार तो जा ही रहा है। यहां पे यूनिट डिजिट 3 है, यहां पे यूनिट 6 है, तो 3 दूनी 14 है, तो दो बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपकी, ये ₹220। आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो दो जीरो चुपका दो, 100% वैल्यू कितनी आएगी, 22,000 रुपए, जो कि आपका ये है हमारा सी ऑप्शन, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना भैया वो क्या है आपका, वो है आपका 22,000 रुपीज। और मेरे हिसाब से ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड था, आप 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को आसानी से ब्रेक कर सकते थे, क्लियर है, कुछ भी नहीं था। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो मैंने नेट इफेक्ट निकाल के किया, आप इसको फॉर्मुले से करना चाहो तो फॉर्मुले में एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से समझना। सपोज पी आपका प्रिंसिपल है, पी आपका प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल है, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। 5% यानी कि आपको 1/20 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21/20, अमाउंट हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, 21/5% 1/20 इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 21/20। अब ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल है, ये जो सामने लिखा हुआ है ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है 6%, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50 ना, 6/50, 6/100, 3/50, तो 3/50 इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 53/50, भाई ऐड कर दो 53/50, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 24,486 रुपए, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो यहां से भी आपकी पी की वैल्यू जो है वो 22,000 रुपीज ही आने वाली है, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूले वाला तरीका, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन का डाटा देखकर पता लगे कि यहां पे कौन सा तरीका लगाना बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं, अब जो मैं आपको तीसरा मेथड सिखाने वाला हूं सीआई कैलकुलेट करने का, कंपाउंड कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जो थर्ड मेथड है वो क्या है आपका रेशियो मेथड, वो क्या है आपका रेशियो मेथड, क्लियर, रेशियो मेथड ये थर्ड तरीका है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। दो तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तो ये आपका फॉर्मूले वाला, दूसरा आपका नेट परसेंटेज चेंज, क्लियर है, नेट इफेक्ट निकाल लीजिए वहां से। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कुछ नई बात नहीं है, वही चीज है, मैंने पहले ही बोला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या हो रहा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ही तो पहले साल 5%, अगले साल आपके अमाउंट पे 6%, ठीक है ना, तो ये ब्याज पर ब्याज चला है, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल पे ब्याज लिया, नया प्रिंसिपल बन गया, फिर उसपे ब्याज लिया, नया प्रिंसिपल बन गया, फिर उसपे ब्याज मिला, फिर नया प्रिंसिपल बन गया, क्या है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के मैं कई सवाल आपको करा चुका हूं परसेंटेज वाली वीडियो में, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5% की मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, 1/20 होती है, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा आपका, 20 से हो जाएगा आपका 21, अगर 20 प्रिंसिपल है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा ये 21। दूसरे साल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 6/100, ऐसे रहने दे 6/100, कितनी होती है 6/100, सभी को समझ में, यानी कि 100 से कितना हो जाता है ये, 100 से हो जाता है आपका 106, 100 से कितना हो जाता है आपका 106, या फिर 3/50 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 3/50, यानी कि 50 से कितना हो जाता है, 50 से हो जाता है 53, ये बात समझ में आई है, क्लियर है, कोई डाउट है। अगर मैं इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करूं तो 20 × 50 से कितना आएगा आपका 1000 आएगा, सही है, यही तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है कि 20 से 21 अगले साल क्या होगा 50 से 53, 21 × 53 के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 × 63 का 3 हासिल लगे 6 × 5 और 6 × 11 1113। अब मुझे बताना ये क्या है, ये है आपका, ये होता है हमेशा क्या प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये होता है हमेशा अमाउंट, और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का ये जो डिफरेंस होता है ये होता है आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट 113 यूनिट, क्लियर है, सभी को बातें समझ में आई हैं, बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान से चीज है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले साल में 5% इंटरेस्ट मिला है, यानी कि 20 से कितना हो रहा है 21, दूसरे साल आपको कितना 6% मिला है, यानी कि 50 से कितना हो रहा है 53, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई का प्रिंसिपल 1000 यूनिट, अमाउंट 21 × 53 101113 यूनिट, अमाउंट आपको दे रखा है दो साल बाद 24,486, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 24,486 रुपीज। अब देखिए दो बार तो ये चला जाएगा, यहां पे यूनिट 3 है, यहां पे 6 है, तो 3 × 14 तो दिमाग मत लगाई जाता, 22 बार चला गया, तो एक की वैल्यू 22 है, तो आपसे प्रिंसिपल 1000 यूनिट के लिए पूछे तो कितना जाएगा आंसर 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज। देखिए यहां से भी आपका सेम ही आंसर आना है सी ऑप्शन, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को। हाँ, अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, तो 1000 यूनिट क्या है आपका प्रिंसिपल, 1113 क्या आपका अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका 113 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 113 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और एक यूनिट के लिए 22 रुपए, 113 × 22 रुपए ये आ जाएगा फिर आपका आंसर, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को, तो सिंपल सी बात थी, इस तरीके से करना है। कंपाउंड पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 22 से 66 का आंसर लगे 22 सेकंड 22 2 4 8 6 रुपीज ये आ जाएगा, क्लियर है, सभी को बातें समझ में आ रही हैं। तो आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल आपको कुछ भी दे सकता है, आपको सीआई देके प्रिंसिपल पूछ सकता है, अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछ सकता है, क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट देके अमाउंट पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देके प्रिंसिपल पूछ सकता है, व्हाटएवर इट इज, तो आपको ये रेशियो मेथड भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, सभी को बातें समझ में आई, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हम लोग, सवाल नंबर है 24,
अब देखिए, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन स्टॉक मार्केट, द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 12% 9% इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर रेस्पेक्टिवली, इफ द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर टू ईयर्स बिकेम रुपीज 97,664, देन हाउ मच हैड ही इन्वेस्टेड। एक आदमी ने क्या इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है पहले साल कितना बढ़ती है 12% एंड 9%, पहले वर्ष में 12% की, दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई, तो बताइए उसने कितना निवेश किया था। तो ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आसान सी बात है कि अगर उसको पहले साल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 12% के हिसाब से मिला, दूसरे साल सेकंड में जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 9% के हिसाब से मिला, तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं कि उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला, जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ, जो उसको टोटल ब्याज मिला है इस तरीके से सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला इन टू ईयर्स, दो साल में मिलने वाला टोटल ब्याज कितना है निकाल लोगे, तो एक्स 12 प्लस 9 प्लस 12 इंटू 9 बाई 100 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 9 21 प्लस 23.08 23.08% 25 12 प्लस 9 21 हो जाएगा और ये आपका 1.08 हो जाएगा ना, यह आ जाएगा 22.08% 22.08%। आप इस बात को वर्बली दिमाग में सोच सकते थे, 12 प्लस 9 21 21 प्लस 1.0 22.08%, यानी कि आपको दो साल में जो नेट इंटरेस्ट मिला है वो 22.08% है दो साल में मिलने वाला। क्लियर, सभी को बातें समझ में आई ना। अगर दो साल में आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है और दो साल के बाद आपको दे रखा है अमाउंट इतना हो गया, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, भाई प्रिंसिपल तो आपका 100% ही होता है ना, अगर आप परसेंटेज में बात करते हो 100% प्रिंसिपल है, 22.08% इंटरेस्ट मिला, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा 122.08%। और इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 97664। क्लियर है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, तो यहां पे अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पे आपकी 100 से गुणा हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब देखिए 8 है और 4 है, 8 8 64 होते हैं 2 2 64 और 12 8 96 लगभग इसके आसपास ही पहुंच रहा है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये आपका पूरा पूरा 8 बार चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 8 × 100 ₹800। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो 2 0 चुका दो, 100% की वैल्यू कितनी आ गई ₹80,000, यानी कि सी ऑप्शन खत्म सवाल। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो इतने टफ सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, मेंस के पेपर के क्वेश्चंस हैं। क्लियर, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि डाटा आपको इस तरीके से सेट करके दिया जाएगा कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्लियर भाई, सभी को बातें समझ में आई हैं। चलिए अच्छा, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई हम, या इसको आप रेशियो मेथड्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी से बताऊंगा। पहले साल में कितना 12%, पहले साल में इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 12% है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी आपका 12/100, तो 3/25 3/25 मतलब ये प्रिंसिपल जो है आपका 25 से बढ़ के अमाउंट हो जाएगा 28। अच्छा, अगले साल आपको इंटरेस्ट दिया जाता है 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100, यानी कि ये जो आपका अमाउंट है जो दूसरे साल का प्रिंसिपल है वो 100 से कितना हो जाता है 109, तो टोटल दो साल में ये तो कितना हो गया 2500, और ये आ गया आपका रेशियो 28:109। सही है, इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 97664 रुपीस। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, सिंपल सा। अच्छा पहले इसको 109 से काट लेते हैं, 109 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 9 बार तो जा नहीं पाएगा, 8 बार जाएगा, तो ये 8 बार गया 872, कितना बच गया 104 1046। अब ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, यहां पे 9 है यहां पे 4 है, 9 6 54 होता है, यूनिट 6 होना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी कम से कम करनी है। 8 9 6 आ गया, देखिए 28 28 84 कितना बच गया तुम्हारा 5 28 256 32, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32 रुपए। आपसे पूछा प्रिंसिपल 2500 की वैल्यू पूछी, तो 2500 × 32, देखो 25 × 16 कितना होता है, सभी को याद होना चाहिए 25 × 16 400, बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशन, 25 × 16 400, उसका भी डबल कितना हो जाएगा 800 के बाद 2 0 चुकी हुई है, तो 80,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80,000 रुपीज। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई, देख रहे हैं कितने आसान से सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। मैं अभी आपकी और प्रैक्टिस कराऊंगा, गौर से समझना, ठीक है। सवाल नंबर है आपका 25, सवाल नंबर 25, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1 ईयर एट 14% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली रुपीज 289.8। अच्छा, एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 14% पर एनम के हिसाब से 289.8 है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कंपाउंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित कर रहे हैं, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर वुड बी, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 289.8 दे रखा है, देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो 280 रुपए, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, 280 रुपीज आंसर कुछ भी नहीं है। क्लियर है, अब गौर से समझना, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक साल में कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का दे रखा है 14% पर एनम, 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि एक साल में 100 रुपए पर 14 रुपए ब्याज मिलता है, यही तो है। अब लेकिन ब्याज को कैसे कैलकुलेट करो, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करो, तो अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो जाहिर सी बात है जो आपका नेट इफेक्टिव रेट है वो थोड़ा 14% से ज्यादा होगा, कितना होगा, अगर आप एक साल के लिए बात करो तो एक साल में हाफ ईयर कितने होते हैं, एक साल में दो हाफ ईयर होते हैं, 6 मंथ CA 6 मंथ CA, यानी कि दो साल, एक साल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अगर पर एनम 14% है तो 6 मंथ में कितना मिलेगा फिर आपको 7%, यानी कि 6 महीने में ही आप 7% ब्याज दे रहे हो और उसको आप प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हो, तो नेट इफेक्ट कितना आया, एक साल में आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 7 + 7 × 7 × 7 / 100
100 यानी कि 14.49% इतना मिलेगा, 14.49% मिलेगा कि नहीं। तो एक साल में आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिलेगा, 100 रुपए पर इतना, 100% प्रिंसिपल है तो आपको एक साल में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 14.49%। यदि हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, यदि हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो एक साल में इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं, 14.49%। क्लियर है, सभी को समझ में आई 7% नेट इफेक्टिव कितना है। अब 14.49% मिला जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट इसी रेट से एक साल के लिए कितना होगा, तो एक साल के लिए जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई, अगर ब्याज की दर 14% है तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट तो 14% ही मिलेगा ना, ये एक साल में सीआई मिल रहा है और एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 14%। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट 289.8 रुपीज दे रखा है, 14.49% के लिए 289.8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 289.8 रुपीज से थोड़ा सा कम होगी, थोड़ा सा कम होगी तो ज्यादा तो पॉसिबल था नहीं ना, 300 आंसर पॉसिबल था तो 299। इस तरीके से मैंने ये दो ऑप्शन तो मेंटली हटा दिए कि ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 14% है तो 14.49% सीआई हो जाएगा एक साल का, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे और वो 14% आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा, 289.8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन ऐसे ही मेंटली हटा दिए। अब इतना भी कम नहीं हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की, हाथ से भी कम हो जाएगा, 140 भी आंसर पॉसिबल नहीं। आंसर क्या पॉसिबल है, केवल 280। सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 14.49% के लिए कितनी दे रखी है, 289.8 रुपीज इधर रखिए, तो यहां पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं ना, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये देखिए पूरा 20 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपए। 1% के लिए 20 रुपए आ गया। आपसे पूछा दो साल में सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी एक साल में सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना 14%, तो 14% के लिए पूछे तो 14% के लिए कितने, 14×20 यानी कि 280 रुपए। तो यहाँ सॉल्व हो गया 280 रुपीज। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, पर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन आप वर्बली इसको मार्क कर सकते थे। समझ में आया है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है भाई आपका 26, सवाल नंबर 26। यस एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज रियली गुड, समझना है ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 16:2/3% पर एनम इज रुपीज 5080। देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स इज हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। कितना बड़े सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 16.2/3% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5080 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में कितना अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यहां पे 16:2/3% फ्रैक्शन दे रखी है, ये परसेंटेज रखा रेट परसेंट, तो इसको अगर आप परसेंटेज से लगाने लगे सक्सेसिव परसेंटेज कांसेप्ट से, x+y+xy 100% से, तो बहुत भयानक रूप ले लेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब इस टाइप के ये डाटा को देख के तुरंत पता लगाना चाहिए क्या इसमें रेशियो मेथड इज द बेस्ट। अगर मैं रेट परसेंट की बात करता हूं तो रेट परसेंट 16.2/3% पर एनम दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अगर रेट 1/6 है तो अगर पहले साल अगर आपका प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 7। दूसरे साल क्या होगा, अगर दूसरे साल के लिए अगर प्रिंसिपल 6 है तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 7। इसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए 6 से कितना हो जाएगा 7। रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल सेम है, तो ये क्या आपका सक्सेसिव कांसेप्ट है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज है ना। क्लियर है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा 6×36=216 रेशियो 7×7=343। ये आ गया, कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 यूनिट है तो आपका अमाउंट 343 यूनिट है, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 3 साल का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, क्योंकि 3 साल की कहानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 127 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो कितना है 5080 रुपए। तो 127 यूनिट के लिए 5080 रुपए दे रखी है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू देखिए पूरा 4 बार ये कट रहा है 127 चौका, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 रुपीज आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा कि 3 साल का ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 127 यूनिट, 3 साल का ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 127 यूनिट कितना बड़ा है 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम इसी प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो उससे आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ग्रेटर है। मुझे पता है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 216 यूनिट है, अगर 216 यूनिट प्रिंसिपल है और ब्याज की दर 1/6 है 16:2/3% पर एनम, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1/6, 2 साल में एसआई कितना मिलेगा, 2 साल में इतना मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो 36×36=72 यूनिट। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको 72 यूनिट। समझ में, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 72 यूनिट, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 127 यूनिट, तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि कितना 55 यूनिट, इनका डिफरेंस कितना है 55 यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन में 55 यूनिट की वैल्यू पूछी है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 72 यूनिट बना, 3 साल के कंपाउंड 127 यूनिट से कितना कम है 55 यूनिट कम है, 1 यूनिट के लिए 40 रुपए है तो 55 यूनिट के लिए पूछिए, तो 55 यूनिट के लिए 55×40 यानी कि 2200 रुपए, 2200 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है भाई,
है ना। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आप इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर दे रखे हैं। क्लियर है? जैसे ये 16 सही 2/3% पर एनम दे रखा है, तो 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 16% के लगभग। अगर 16% के लगभग है तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो लगभग 50% के आसपास मिलेगा, 50% के आसपास। और 2 साल में आपको कंपाउंड, 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 32, यानी कि 18%। डिफरेंस कितना जाएगा आपका 18%। तो आपको 50% के लिए दे रखी है और इसे आपसे 18% की वैल्यू लगभग पूछी है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को फिर ऐसे अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, आंसर क्या आ जाएगा आपको 2200 रुपए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अप्रोक्सीमेशन से कैसे करूं, मैं आपको समझा ही देता हूं। जैसे 16 से 2/3% पर एनम है ब्याज की दर, तो 3 साल में वैसे तो 16 + 16 + 16 48 होता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा लगभग आप मान सकते कि 55% के आसपास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 55% के आसपास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 55% भाई, तो टोटल 16 + 16 + 16 48 से ज्यादा लगभग 55% के आसपास मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको रटवा रखा कि 15% का 3 साल का इफेक्टिव क्या होता है 52.0875, तो 16 से 2/3% का लगभग 55% के आसपास जाएगा। अब उसी प्रिंसिपल पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यदि 1 साल में 16 से 2/3% है तो 2 साल में कितना मिलेगा लगभग 33% के आसपास। तो इसका डिफरेंस कितना, डिफरेंस आ गया आपका 22%। तो 55% की वैल्यू जो है ये तुम्हारी 5080 के आसपास दे रखी है, तो 22% की वैल्यू जो है लगभग 2000 के आसपास आ जाएगी। ए की आंसर 2000 के आसपास है, ए ऑप्शन, तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हो, मेथड जो है वो आपके सामने है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। 12.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 12.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इस रेट से 3 साल में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा, यानी कि अगर आपका ये प्रिंसिपल 8 है तो 1 साल बाद अमाउंट 9 होगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो अमाउंट 9 होगा, फिर ये 8 है तो ये आपका 9 यूनिट हो जाएगा। 3 साल के लिए बात की ना, तो टोटल 8 × 64 = 512 9 × 9 × 9 = 729 ये आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 512 यूनिट है तो आपका अमाउंट 729 यूनिट है, तो 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना, 217 यूनिट मिला, और रुपीज में कितना मिला 151.9 रुपीज में कितना मिला 151.9 रुपीज। समझ में आया सभी को भाई? सीआई कितना मिला, सीआई मिला है 270 यूनिट, रुपीज मिला 151.9 रुपए। तो गौर से देखो ये 1400 + 119 तो 0.7 टाइम्स चला गया, पूरा 0.7 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 0.7 रुपया, एक यूनिट के लिए 0.7 रुपए आ गई। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना, तो प्रिंसिपल तो 512 यूनिट है, तो प्रिंसिपल 512 यूनिट के लिए 512 × 0.7 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 1274 और 7×5 = 35, तो ये हो जाएगा 358.4 रुपए, 358.4 रुपीज। क्लियर है? जो कि है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन 358.4 रुपीज। क्लियर है? देख सकते हैं, तो काफी टफ सवाल है, इनको आप ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए अभी तक क्या था कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है। गौर से समझना, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, को एक सम ऑफ मनी जो है 64,800 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में। ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 इयर्स इज 12.5%, 62.3% एंड 9.09% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपसे पूछा, तो 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखे हैं अलग अलग क्वेश्चन में, तो ये दे रखा आपको 12.5%, दूसरे साल का दे रखा 6:2/3%, थर्ड साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपको 9.09%। क्लियर है? तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/15, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11। क्लियर? 1/11। कहने का मतलब है कि पहले साल अगर 1/8 ब्याज मिला 8/1, यानी कि प्रिंसिपल 8 से कितना हो जाएगा 9, सेकंड ईयर के लिए अगर प्रिंसिपल 15 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब यहां पे ये तुम्हारा थर्ड ईयर के लिए कितना है 1/11, तो 11 से कितना हो जाएगा अमाउंट 12। क्लियर है? तो ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है हमेशा, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है, इनिशियल प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट का रेशियो आता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए सीधे सीधे गुणा करने पर क्या 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 ratio 3 × 6 = 12 / 72, 55 ratio 72। कहने का मतलब है कि अगर आपका इनिशियल जो प्रिंसिपल है, प्रारंभिक जो मूलधन है, इनिशियल प्रिंसिपल अगर 55 यूनिट है, तो फाइनल अमाउंट जो 3 साल बाद है आपका थर्ड ईयर के एंड में वो 72 यूनिट है, 72 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 72 यूनिट फाइनल अमाउंट की वैल्यू कितनी रखी है 64800, 64800 रुपए, 64800 रुपए हो जाता है। क्लियर? तो मुझे बताओ फिर कितने गुना है, तो 900 गुना हो गया भाई, एक यूनिट के लिए कितनी आ गई 900 रुपए, 900 रुपए आ गई ना, 72 × 900। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको, ये मिला है आपको 70, 70 यूनिट, 55 से 72, 15 + 2 = 17, तो एक यूनिट के लिए 900 रुपए। सीआई मिला कितना आपको 17 यूनिट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में मिला है वो 17 यूनिट मिला है, जबकि एक यूनिट के लिए 900 रुपए, तो टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको 53,300 रुपए, 17 × 153, 15,300 रुपए, सॉरी 15,300 रुपए आएगा आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो देखते हैं कितना आसान सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है? और मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं थोड़े घुमा फिरा के, जिससे कि आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की, ठीक है ना? चलिए अभी मैं आपको तीन टाइप सिखा चुका हूं सीआई कैलकुलेट करने के। मैं आपको सीधे फॉर्मुले से बता चुका हूं, मैं आपको एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100% का रूल बता चुका हूं, मैं आपको रेशियो मेथड अभी सिखा रहा हूं, और मैं आपको फोर्थ आपको गोल्डन मेथड सिखाऊंगा, ट्री वाला मेथड, और मैं आपको बाद में कुछ रेशियो याद करने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है? चलिए तो अभी मैं कंसेप्ट वाई कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और उसके बाद मैं उसमें क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसे कि सवाल नंबर 29 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर वन ईयर 146 डेज एट 14.28% पर एनम 408, देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन आपका जबरदस्त है, क्लियर है? और इस सवाल को कैसे करना है, क्योंकि यहां पर जो भाई कहानी है वो केवल एक साल 146 दिन की है। अब कैसे करेंगे इस बात को? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर वन ईयर 146 डेज एट 14.28% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 14.28%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। टाइम पीरियड दिया है एक साल प्लस 146 डेज, एक साल प्लस 146 दिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यह बात आप याद रखना। तो अगर एक साल में वन ईयर बराबर कितना होता है 365 डेज, 365 डेज। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो दोनों तरफ 1/5 ईयर, 1/50, दोनों तरफ अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 × 7 = 35, 5 × 15, 1 ईयर बराबर 73 डेज, यानी कि 1/5 साल में 73 दिन होते हैं। ये बात आप याद रखना, ये बात आप याद रखना कि 1/5 साल में कितने दिन होते हैं, 73 दिन होते हैं, ठीक है? नॉन लीप ईयर के लिए है, एक साल में कितना 365 दिन होते हैं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो तो 1/5 साल में, साल के 1/5 टाइम में 73 दिन होंगे। ये तो 146 दिन, यानी कि डबल है। अगर ये डबल है तो तुरंत पता लगना चाहिए कि ये 1 ईयर प्लस अगला जो है वो आपका 2/5 ईयर है। अगला साल आपका पूरा नहीं गया, केवल 2/5 ही गया। कितना गया? केवल 2/5 ईयर ही गया। भाई 1/5 साल का मतलब 73 दिन, तो 2/5 का मतलब 146 दिन, यानी कि एक साल कंप्लीट और अगले साल केवल कितने की कहानी है, 2/5 की कहानी, 2/5 की। क्लियर? कितने की कहानी? 2/5 साल की। अब इस टाइप के सवालों को कैसे करना है, गौर से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/7। तो एक साल के लिए तो पूरा का पूरा सीआई एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 7 से 8। कितना हो जाएगा? 7 से 8, 7 से 8। पहले साल के लिए अगर 7 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। अब पहले साल के एंड का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पे आपको ब्याज 1/7 मिलना चाहिए था, 14.28%, यानी कि 1/7 मिलना चाहिए था एक साल में, 1/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए था एक साल में पर एनम, लेकिन केवल 2/5 साल ही गए, 2/5 साल ही गए। तो 2/5 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए आपको, ये मिलना चाहिए आपको 2/35, 2/35। कितना ब्याज मिलना चाहिए भाई आपको, 2/35। तो गौर से समझना, आसान चीज है 2/35। क्लियर? सभी को बातें समझ में आई है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एक साल में सेकंड ईयर जो है, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलना चाहिए, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल 1/7, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल पर दूसरे साल में एक साल में 1/7 ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन केवल सेकंड ईयर में 2/5 ईयर कंप्लीट हुआ तो 1/7 का 2/5 ब्याज मिलेगा, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा, 2/35, 2/35 ही आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 35 है तो उस पर 2 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 37। क्लियर है? खत्म बात, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7×21 = 35, यानी कि 245 रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 8×56 = 6, आंसर लगे 5×8 = 24 = 5 = 19, 4×5 = 29। क्लियर है? 320 माइनस क्या कर दोगे आप, 24 कर दोगे, ठीक है, 296, यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट का रेशियो ये आएगा आपका। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हुआ हो तो कि ये मैंने कैसे किया, एक लॉजिक है, सिंपल सी कहानी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 140 दिन है, 2/5 ईयर है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/7 के बजाय 2/5 होगा, 14.28% का 2/5 ब्याज मिलेगा। भाई पूरे साल मिल जाना चाहिए 14.28%, लेकिन 2/5 में तो आपका 14.28% का 2/5 मिलेगा ना। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सिंपल सी बात है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 408, तो देखिए डिफरेंस कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है आपको, 6×5 = 9×4 = 5, 51 यूनिट। 51 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितने देखे, 408 रुपए। तो यहां से एक यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी, देखिए सीधा सीधा कटाई 8 बार, एक यूनिट के लिए 8 रुपए आ गई। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 245 यूनिट है, 245 यूनिट के लिए देखिए 250 × 8 2000 होता है, 2000 − 40 आ जाएगा आंसर 1960 रुपए, 1960 रुपीज करेक्ट आंसर है, जो कि आपका यह है भाई सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन 1960 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है, तो आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, सवाल नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर है भाई आपका 30, सवाल नंबर 30, और सवाल नंबर 30 भी इसी टाइप का है, गौर से समझना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 86400 एट द रेट ऑफ 16.23% पर एनम इन 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। रेशियो मेथड से ही मैं आपको सिखाऊंगा, गौर से समझना है, वैसे भी फ्रैक्शन ऐसी दे रखी है कि आपको रेशियो मेथड से करना ही इसको बेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 16.23% पर एनम, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/6 होती है, ठीक। टाइम दे रखा है 2 साल 6 मंथ, तो 2 साल यानी कि 2 इयर्स 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का मतलब 1/2 ईयर, आधा साल।
तो पहले दो साल में फर्स्ट ईयर के लिए आपका अगर 6 प्रिंसिपल है तो अमाउंट 7 हो जाएगा, सेकंड ईयर भी पूरा कंपाउंड मिलेगा, अगर आपका प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए 6 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, फाइनली 7 हो जाएगा। नाउ जो आपका तीसरा साल है वो केवल आधा ही है, 1/2 ईयर है ना, 6 मंथ्स जो है, ठीक है, तो पूरा काउंट नहीं हुआ थर्ड ईयर, केवल आधा ही काउंट हुआ, तो एक साल में ब्याज कितना मिलना चाहिए था, 1/6, लेकिन केवल हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ब्याज भी जस्ट आधा मिलेगा, यानी कि कितना, 1/12, तो 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका इन 6 मंथ्स के लिए। अगर 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, यानी कि 12 से कितना हो जाएगा 13, 1/12 ब्याज मिलेगा आपको 6 महीने में, यानी कि 12 से कितना हो जाएगा आपका अमाउंट 13, क्लियर, 6 महीने में 1/12, 12 से कितना हो जाएगा 13, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर से देखेंगे ये कितना कुछ कटेगा तो नहीं, 36 × 12 रेशियो 49 × 13, ये हो जाएगा 36 × 12 तो कितना हो जाएगा 432, 432 रेशियो, ठीक है भाई, 13 × 50 650 माइनस 13 यानी कि 637 यूनिट, क्लियर है। अच्छा आपको दे रखा है, क्या दे रखा आपसे, सीआई दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8,64,00 86,400 रुपए, तो यानी कि सीधा सीधा 200 से मल्टीप्लाई कर रखा है 200 से। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2.5 साल में 7 × 2 = 5, 3 × 3 = 0, 6 × 4 = 2, 205, तो 1 यूनिट के लिए 205 रुपए है, तो 205 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी भाई, सीआई तो 205 यूनिट मिला ना, 205 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी, 205 × 200, क्लियर है। तो 20 ये कितना हो जाएगा, 40,000 + 1,000 यानी कि 41,000 रुपए, 41,000 रुपीज, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, 41,000 रुपीज, क्लियर, सभी को समझ में आया, तो बहुत ही ज्यादा आसान से सवाल, ठीक है, काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, डाटा भी आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अब सवाल नंबर है भाई आपका 31, ठीक है भाई। सो अब जो है हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फोर्थ मेथड, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा आसान भी है और काफी लोग इसको बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से बताते हैं, आपको बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगा और मैं आपको नई चीजें भी सिखाऊंगा जो आपको कोई नहीं सिखाता, इसकी एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेनली मैं बैंकिंग में पढ़ाता था तो मैंने बहुत तगड़ी रिसर्च कर रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो स्टूडेंट को सो क्या टीचर्स को भी नहीं आता होगा, वैसी कुछ चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है, ओके, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे चीजों को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। आपका सपोज प्रिंसिपल 10,000 रुपए है और रेट जो है वो आपका 10% है, रेट जो है वो आपका 10% है, क्लियर है, सभी को बातें समझ में आ रही है, और टाइम जो है आपका 2 साल है, टाइम आपका 2 साल, और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का सीआई निकालना है, क्लियर है, समझते रहना चीजों को, चीजें बहुत ज्यादा आसान रहेंगी, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेकंड ईयर की। अब पहले साल क्या है कि पहले साल क्या होगा, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए का 10% होता है आपका 1,000 रुपए, तो आपको पहले साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 रुपए। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं फर्स्ट साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए, अगर मैं साइकिल में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ईयर का मतलब वन साइकिल, अगर इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो हाफ ईयर एक साइकिल होगा, अगर इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो आपके एक क्वार्टर 3 महीने एक साइकिल होगा, तो पहली साइकिल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं 1,000 रुपए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम जो आपका ईयर्स में ले रखा है, ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल एक साइकिल हो जाएगी और पहले साइकिल में फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं 1,000 रुपए। नाउ अगले साल क्या है आपका प्रिंसिपल, तो ये ओरिजिनल प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो आपने पिछले साल कितना ब्याज कमाया था, आपने पिछले साल ब्याज कमाया था 1,000 रुपए, तो इस 1,000 रुपए का 10% या फिर 1/10 यानी कि आपको 100 रुपए ब्याज और मिलेगा, इस 1,000 रुपए का 10%, इस 1,000 रुपए का 10% यानी कि 1/10, 1,000 × 1/10 यानी कि 100 रुपए आपको ब्याज और मिलेगा, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, बात समझ में आई, तो यहां पे ये आपका क्या आ गया, 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,000 रुपए, तो ये है तुम्हारा सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1,000 रुपए, समझते रहना। अगर मैं कहूं आपसे कि दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,000 + 100 यानी कि 1,100 रुपए, तो सीआई ऑफ सेकंड ईयर कितना है, दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो कितना आपका 1,100 रुपए, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को, सभी को बात समझ में, बहुत ही आसान सी बात है, सेकंड ईयर का सीआई 1,100 रुपए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो सीआई ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो सबको ऐड कर दोगे 1,000 + 1,000 2,000 + 100 यानी कि 2,100 रुपए, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2,100 रुपए, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स,
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दो इयर्स, दो साल के अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात करूं तो दो साल का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहोगे तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल भी ₹1000 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी ₹1000 होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ₹2000 निकल आएगा, ₹2000 कितना आएगा, ₹2000 कितना आएगा, ₹2000। क्लियर है? अगर मैं दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दो साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करूं, दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दो साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करूं, तो दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100, दो साल का साधारण ब्याज है 2000, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है आपका ₹100। तो ये जो ₹100 है ना मेरे भाई, ये जो ₹100 है, ये आपके दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दो साल के सिंपल इंटरेस्ट का ही अंतर होता है, उनका डिफरेंस होता है। जो ₹100 है ये आपके दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दो साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो सभी को यहां पे ये बातें जो मैंने पांच बातें लिखी समझ में आई हैं, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है भाई बात? यहां तक ये ₹1000, दो साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000, दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, दो साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ₹100, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1100, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1000। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे एक मैं आपको रेशियो दिखाना चाहूंगा, रेशियो है आपका 2:1, एक आपका गोल्डन रेशियो है, मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं ये 2:1, इट्स ए गोल्डन रेशियो, दो साल के लिए गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो दो साल के लिए, फॉर टू इयर्स गोल्डन रेशियो, फॉर टू इयर्स दो साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है आपका, 2:1। क्या मतलब है, देखिए 1000+1000 टोटल कितना है 2000, 1000+1000 टोटल कितना है 2000 प्लस 100, तो 2:1 कहां आया, 2:1 में आपको यह दिखाना चाहूंगा कि गौर से देखना, मैं यहां पे लिखता हूं 2:1, इस रेशियो की मदद से मैं किसी भी प्रिंसिपल पर किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। एक तो ये ट्री बनाकर निकाल सकता हूं, दूसरा मैं इस रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल कितना है ₹10,000, रेट कितना है 10%, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% होता है ₹1000, बोलो हाँ ₹1000 होता है, अब 10,000 का 10% ₹1000 होता है, इस ₹1000 का ये जो आपको ₹1000, इस ₹1000 का भी 10% कितना होता है ₹100, इस ₹1000 का भी 10% कितना होता है ₹100, दोनों की गुणा करो, 2 × 1000 कितना हो गया 2000 प्लस 1 × 100 कितना हो गया 100, तो 2000 + 100 कितना हो गया ₹2100, ₹2100। तो आप देख सकते हैं कि दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया ₹2100। तो एक्चुअली मैंने क्या एक रेशियो ऑब्जर्व किया कि हमेशा 2:2 ये हमेशा 2000 आएगा, हमेशा 100 आएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो रेशियो है 2:1 ये हमेशा फॉलो होगा, मैंने एक रेशियो ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बता सकता हूं, टेंशन क्यों लेते हो, मैंने ये मान लिया कि प्रिंसिपल है आपका ₹12,000, रेट है आपका 15%, और मैंने पूछ लिया कि आप दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, तो ट्री वाला मेथड तो जिंदाबाद है ही जो मैंने अभी सिखाया। अब एक रेशियो मैंने आपको बताया 2:1, तो 12,000 का 15% मुझे बताओ तो 120 × 15 कितना हो गया ₹1800 हो गया। क्लियर है? 12,000 का 15% 1200 + 600 1800 हो गया। ठीक है, अब इस 1800 का भी 15% क्योंकि ब्याज पर ब्याज, देखो यहां पे 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 रुपए आया कैसे, तो 1000 का 10% निकाला था, तो ये भी मैंने 1000 का 10% निकाल के लिया ₹1000। इस 100 रुपए आया क्या था, 1000 का भी 10% निकाला था, इस 1000 का भी 10%, तो मैं इसी बात को 1000 का भी 10% क्या लिखूंगा ₹100। क्लियर है? तो डिफरेंस कुछ नहीं, उसी बात को बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखा जा रहा है, 1800 का भी 15% यानी कि 18 × 15, तो 15 × 120 का 0 आंसर लिखा, एक बंद रेखा 15 बार 70 270 सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना 1800 × 3600 + 270, तो ये आ जाएगा अपना 3600 + 270 यानी कि 3870 रुपीज, 3870 रुपीज, ये आपके टोटल दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ट्री वाले मेथड से भी आप इसको निकाल सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट को। समझ में आया सभी को? क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो चीजें काफी ज्यादा आसान है, ठीक है ना, चीजें बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। क्लियर है? तो ये आ गया आपका, ये पिक्चर सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को यहां पे बनाना चाहूंगा ऐसे, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, गौर से समझना, क्या मैं इस बात को, ये हजार ही हजार दोनों जगह सेम है, यानी कि अगर यहां ए है तो यहां भी ए ही होगा, सही बात है, यहां पे ₹100 अलग राशि है तो यहां पे आपका बी होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं इस ट्री को, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तब आपको और मजा आएगा। अब ये देखिए ₹1000 है, ₹100 तो 1000 का 10% निकाला था, ये जो बी है ये हमेशा ए का क्या होगा, आर परसेंट होगा, ए का क्या होगा, ये आर परसेंट, यदि आप ए का आर परसेंट निकालोगे तो ही तो बी आएगा, जैसे 1000 का 10% सो आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे जो भी अमाउंट होगा ए का आर परसेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, बी आएगा। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट दो साल के लिए मैंने लिख दिया, इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं और इससे बढ़िया एग्जांपल भी कुछ नहीं। क्लियर है? सभी को समझ में आया? चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको तीन साल के लिए कहानी, तीन साल के लिए समझने की कोशिश करना सभी लोग, गौर से देखेंगे मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका ₹10,000, ₹10,000 मैंने आपका प्रिंसिपल मान लिया। क्लियर है? रेट दिया मैंने 10% पर एनम, सो दिस इज 10% पर एनम, टाइम दिया मैंने 3 साल, तो ये हो गया टाइम आपका 3 साल। मैं कह रहा हूं कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करिए, पूरी चर्चा करेंगे वैसे तो हम। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर, ये हो गया मेरे भाई आपका सेकंड ईयर, और ये हो गया मेरे भाई आपका थर्ड ईयर। क्लियर है? पहले साल क्या है, पहले साल फर्स्ट ब्याज ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं 10,000 का 10%, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा ₹1000। तो पहले साल आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर ₹1000 होगा।
दूसरे साल भी आपको 1000 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है 1000 रुपए, लेकिन पिछले साल जो आपने ब्याज कमाया, जो पुण्य कमाया, उस पुण्य 1000 रुपए का भी 10%, यानी कि 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा। क्लियर? और ये आपके 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये बात समझ में आती है? अब तीसरे साल में आ जाइए, थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में आपको 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, 1000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। प्लस गौर से समझना, गौर से मेरे भाई, पिछले 2 सालों में जो आपने ये 2000 रुपए ब्याज कमाया ना, 2000, इस 2000 रुपए का भी 10% यानी कि 200 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। और पिछले साल सेकंड ईयर में जो आपने 100 रुपया पुण्य कमाया, 100 रुपए ब्याज, इस 100 रुपए का भी 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा अभी 10 रुपए। तो तीसरे साल में टोटल ब्याज इतना होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को ध्यान से समझते रहना। क्लियर है? 1000 रुपया पहले साल में, दूसरे साल में 1000 प्लस 1000 का भी 10% 100 रुपए मिलेगा, तीसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपीज तो रहेगा ही रहेगा 1000 रुपीज, लेकिन पिछले 2 सालों में जो आपने 2000 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट जो पुण्य कमाया, 2000 का भी 10% 200 रुपया मिलेगा, और पिछले सेकंड ईयर में जो आपने 100 रुपया ब्याज कमाया था, 100 का भी 10% 10 रुपया और ब्याज मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीआईएफ फर्स्ट ईयर पहले साल का जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1000 रुपए। अगर मैं बात करूं सीआईएफ सेकंड ईयर, दूसरे साल का जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपए। अगर मैं बात करूं सीआईएफ थर्ड ईयर की, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, तीसरे साल में कितना ब्याज मिला, तो तीसरे साल में ब्याज मिला है 1000 प्लस 200 प्लस 100 यानी कि कितना 1210, 1000 प्लस 200 1200 1200 प्लस 10 यानी कि 1210 रुपए। तो ये कहानी समझ में आ रही है सभी को? ये कहानी समझ में आ रही है? तो ये आ गया ना। अब अगर मैं बात करूं कि 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 3 साल में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 3000 प्लस 300 और प्लस 10, तो 3310 रुपए। भाई 3000 हो गया, 100 प्लस 200 300 हो गया, और ये 3310 रुपए हो गया। क्लियर है? ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 1000 रुपए पहले साल में, दूसरे साल में 1000 रुपए, तीसरे साल में 1000 रुपए, तो तीसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3000 रुपए। क्लियर है? अगर मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करता हूं, तो ये डिफरेंस 3310 माइनस 300 यानी कि कितना है, 3310 माइनस 3310 रुपए है, कितना है 310 रुपए। क्लियर है? अगर मैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करता हूं, तो डिफरेंस कितना है आपका, ये डिफरेंस आपका 100 रुपए है। ये डिफरेंस कितना है आपका, ये डिफरेंस आपका 100 रुपए। क्लियर है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो भी है, ये पूरा का पूरा जो भी है, व्हाट इज दिस, इज 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिखाना चाहूंगा, तो ये आपका ब्लू जो भी है, ये आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपका ब्लू। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3310, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000, तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या आपका, ये 310 रुपए, ये नहीं 310 रुपए। तो ये होता है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और टोटल 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 310 रुपए। एक गौर करने वाली बात यहां पे और है कि अगर यहां पे 100 रुपए है तो यहां पे 200 रुपए, यहां पे जस्ट डबल होगा, यहां पे एक्स है तो यहां पे 2x होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो केवल आपको 1000 का 10% यहां पे मिला है, आपको 1000 का 10% 100, लेकिन यहां पे मिला है आपको 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000 का 10% यानी कि 200 यानी कि हमेशा डबल आएगा। अगर यहां पे 100 है तो यहां पे हमेशा क्वांटिटी 200 आएगी, बात को हल्के में मत लेना। अगर यहां पे 100 है तो यहां पे हमेशा 200 आएगा, यहां पे 100 है तो यहां पे हमेशा 200 आएगा, यहां पे 100 है तो यहां पे हमेशा 200 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब देखिए, मैं यहां पे फिर से एक रेशियो बनाना चाहूंगा। सभी को समझ में आया है? सभी को समझ में आया? पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210, 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया 3310, 2 साल, 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 3000, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 310। यहां पे अगर 100 रुपया तो यहां पे हमेशा 200 रुपया आएगा, यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे 2x आएगा, जस्ट डबल आएगा, क्योंकि ये 100 रुपया मिलता है 1000 रुपए पे और ये 200 रुपया मिलता है डबल यानी कि 2000 रुपए पे, इस वजह से। और ये 100 रुपए का भी 10% होता है यानी कि 10 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 टोटल कितना 1000 हुआ, 3000 यानी कि 3000 यानी कि कितना 3, गौर से समझना। 100 प्लस 200 कितना हुआ 300 यानी कि 3, 10 का मतलब 10 मतलब 1। तो ये है गोल्डन रेशियो फॉर 3 ईयर, हल्के में मत लेना। गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई इन 3 ईयर्स 3:3:1, गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई इन 3 ईयर्स 3:3:1। इस रेशियो की मदद से आप कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बिना कोई माथा पच्ची के, इस रेशियो की मदद से। कैसे निकालोगे रेशियो की मदद से, ध्यान से समझना, गौर से। ये है आपका 3:3:1, 3:3:1, सही बात है, सही है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। प्रिंसिपल है आपका 10000 रुपए, 10000 रुपीज, और रेट है भाई आपका, रेट है आपका ये 10%। तो 10000 का 10% कितना होता है 1000 रुपए होता है, फिर 1000 का भी 10% कितना होता है 100 रुपए होता है, फिर 100 का भी 10% कितना होता है 10 रुपए होता है। देखो कौन सी बात लिखी है मैंने,
कौन सी बात लिखी, मैंने बात लिखी है 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है, 1,000 का भी 10% 100 रुपए होता है, 100 का भी 10% 10 रुपए होता है, 10,000 का भी 10% 1,000 रुपए, 1,000 का 10% 100 रुपए, 100 का भी 10% 10 रुपए। लेकिन 1,000 रुपए कितनी बार लिखा गया, 3 बार, 100 रुपए कितनी बार लिखा गया, 3 बार, और 10 रुपए कितनी बार लिखा गया था, 1 बार। ये रेशियो यहां से आया, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। सबसे पहले आप प्रिंसिपल का 10% निकालते हो तो आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल 10,000 का 10% निकालते हो तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, फिर उस 1,000 का भी 10% निकालते हो 100, फिर उस 100 का भी 10% निकालते हो 10। तो ये आपने प्रिंसिपल का 10% निकाला 1,000, उसका भी 10% 100, फिर उसका भी 10% 10। लेकिन 1,000 तीन बार लिखा हुआ है तो 3:100, 100 तीन बार लिखा हुआ है 3:300, 10 एक बार लिखा हुआ है तो 1:100, 3:3:1 यहां से आया। तो प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 का भी 10% 100, 1,000 का भी 10% 100, 100 का भी 10% 10, 3:1,000 3,000 प्लस 3:100 300, 1:10 10, 3,310 रुपए। ये आपके 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? कोई भी सवाल आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं यही कर देता हूं कि प्रिंसिपल आपका सपोज 12,000 है और रेट आपका 15% हो, तो पूछ ले बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो 12,000 का 15% सबसे पहले कितना हो गया 1,800 का 15% कितना होगा 270। अब 270 का अगर मुझे 15% निकालना हो तो 270 का 15% हो जाएगा आपका 3/20, 0 से 0 तो 51/2, यानी कि 25.5। सही बात है, समझ में आई? 15 से 105, 5 10 15 2 20 30, सही कर रहे हैं, 27 51/2, 51/2 कौन सा 25.5। ठीक है, 270 का अगर आप 15% निकालोगे तो गुणा 15/100, 15 से 105 का 5 से लगे 10, 15 2 10, 15 2 30, 30 और 10 40.5 आ रहा है। एक सेकंड भाई, तो ये कुछ गुणा गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 270 का अच्छा 15% निकालना है ना आपको, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, तो 0 से 0 हो गया, तो 27 81/2 आएगा, सॉरी, तो ये कितना आएगा 40.5 आएगा, 40.5। ठीक, 27 54 होता है वो, तो क्लियर है। तो अगर मुझे निकालना है तो 1,800 × 3 कितना होगा 5400, प्लस 270 × 3 कितना होगा 810, प्लस 40.5 इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। 3 साल का क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो सिंपल सी बात थी, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहानी समझ में आई है, पूरा ट्री समझ में, मैंने आपके सामने सब खोल कर रख दिया, कैसे होता है, कहां से गोल्डन रेशियो निकल के आया, कैसे आपका ट्री आगे बढ़ता है, ये 100 200 क्यों होता है, यहां पे x होगा, यहां पे 2x होगा। क्लियर है? इसी बात को अगर मैं एक बॉक्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, यहां पे बराबर में समझना, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर भी ए होगा, यहां पर अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहां पर अगर बी है तो यहां पर 2b होगा, अगर ये बी है तो यहां पर 2b होगा, और फाइनली क्या होगा आपका, सी होगा। ए का आर परसेंट रेट परसेंट निकल जाएगा बी, बी का आर परसेंट का निकल जाएगा सी, और ये ए जो होता है आपके प्रिंसिपल का, ये आपके प्रिंसिपल का आर परसेंट होता है, रेट परसेंट। जैसे कि आप 1,000 10,000 प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का रेट यानी कि 10% 1,000 सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आर परसेंट, फिर उसका भी आर परसेंट। ये बात समझ में क्लियर है? सभी को समझ में आई होंगी सारी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट चीज देखेंगे। अब लास्ट चीज, तो लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज है 4 साल के लिए कहानी। 4 साल से ज्यादा की चीज कभी भी आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ठीक है ना, मैं सेम यही डाटा लूंगा कि प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 रुपए, रेट कितना है आपका, रेट है आपका 10%, टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 4 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करिए। तो चर्चा करते हैं, कुछ भी नहीं है, ये है आपका भाई फर्स्ट ईयर, ये है आपका सेकेंड ईयर, नाउ दिस इज योर थर्ड ईयर, एंड लास्ट वन इज योर फोर्थ ईयर, ये हो गया आपका फोर्थ ईयर। क्लियर है? गौर से समझते ना, बहुत ही प्यार बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं मैं, मजेदार एकदम। 10,000 रुपए का 10% पहले साल आपको सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1,000 रुपए, दूसरे साल भी आपको सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपए मिलेगा, लेकिन पिछले साल के पुण्य 1,000 रुपए पर 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 1,100। क्लियर? मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर का सीआई है आपका 1,000 रुपए। अगर मैं सेकंड ईयर के सीआई की बात करूं तो सेकंड ईयर का सीआई क्या है, सेकंड ईयर का सीआई है आपका टोटल 1,100 रुपए। सही बात है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, आगे बढ़ो। थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपए तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये जो आपने 2,000 का पुण्य कमाया, 2,000 का 10% यानी कि 200 रुपए ब्याज मिलेगा, और ये जो 100 रुपए भी आपने पिछले साल ब्याज कमाया, 100 का भी 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा। ये कहानी जाएगी, बोले मेरे भाई ये कहानी जाएगी कि नहीं? क्लियर है? ये 100 और ये 200 जस्ट डबल होता है यहां पे। अगले साल चौथे साल यानी कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं लिख रहा हूं, तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,210 रुपए चौथे साल के लिए। चौथे साल में भी आपको मुझे बताओ 1,000 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। गौर से समझना, 1,000 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, पिछले 3 सालों में जो आपने 3,000 रुपए पुण्य कमाए, 3,000 रुपए जो ब्याज है, इस 3,000 का 10% यानी कि 300 रुपए ब्याज मिलेगा, 3,000 का 10% यानी कि 300 रुपए ब्याज मिलेगा। पिछले 3 सालों में जो आपने 3,000 रुपए ब्याज कमाए, 3,000 का 10% 300 रुपए ब्याज मिलेगा। पिछले 2 सालों में सेकंड और थर्ड ईयर में जो आपने 300 रुपए ब्याज कमाए, 300, इस 300 का 10% यानी कि 30 रुपए ब्याज मिलेगा, 30। थर्ड ईयर में जो आपने 10 रुपए ब्याज कमाया था, इस 10 का भी 10% यानी कि 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 1। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कैसे लिखा गया ध्यान से समझना, पिछले 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट ये 3,000 है, 3,000 का 10% 300 ब्याज मिलेगा, पिछले 2 साल में सेकंड और थर्ड ईयर में 300 रुपए मिला है इंटरेस्ट, इस 300 का भी 10% 30 मिलेगा,
पिछले ही साल 10 रुपया ब्याज मिला था, इस 10 का भी 10% 1 रुपया मिलेगा। यानी कि चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1000+300+30+1 कितना है, चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई ऑफ फोर्थ ईयर वो कितना है आपका 1300 रुपए, 1331 रुपीज। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गौर से समझना, कॉपी में लिख लेना वरना बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी, ठीक है ना। क्या है ऑब्जर्वेशन, की अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है और दूसरे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1100 है, तो देखिए सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले साल से 1.1 टाइम्स हो गया। 1.1 का मतलब रेट 10% है, तो 1.1 टाइम्स। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1100 है, थर्ड ईयर का 1210 है, यानी कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से 1.1 टाइम्स हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से 1210 गुना 1.1 यानी कि 1331 हो गया। तो क्या आपको एक चेन नहीं दिखाई देती? चेन ये है कि अगर मुझे पांचवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हूं तो कुछ भी नहीं करना, जैसे 1300, चौथे साल का जो फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फोर्थ ईयर का, चार सालों का नहीं, केवल और केवल चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1331, इसका 1.1 कर दोगे तो आपका पांचवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यानी कि ये भी जीपी में होता है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी नाम नहीं आपको समझाएगा, अमाउंट तो होता ही है जीपी में, कि पहले साल का प्रिंसिपल के, पहले साल के प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो दूसरे पहले साल के एंड में अमाउंट बन जाएगा, दूसरे साल के लिए वही प्रिंसिपल होगा और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो जीपी में हो गई। लेकिन फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिक्स्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सब जीपी में होता है। देख रहे हो कि 1.1 टाइम्स होता जा रहा है, 1.1 टाइम्स होता जा रहा है, और 1.1 कहां से है, 10% रेट है, तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा फिर आपका 1.1 देख सकते हैं कि 1000 से तुम्हारा ये 1100 1.1, ये तुम्हारा 1210 1.1, 1331 1.1, ऐसी सीरीज चलती जा रही है। क्लियर है? ये देखिए 1.1 टाइम्स है, समझ में आ रहा है, ये 1.1 टाइम्स है, ये 1.1 टाइम्स है। क्लियर है? एक सेकंड, ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई। तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन था, इस पे कोई छोटा सा सवाल, जैसे आजकल एसएससी में छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो वो आप यहां पे बन सकते हैं। जैसे उसने सपोज यही सवाल पूछ लिया, क्या सवाल पूछ लेगा, सवाल ये पूछ रहा है कि सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सपोज आपका उसने दे दिया सपोज 5000 रुपए, 5000 रुपए सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट जो है 20%, रेट जो है 20%, और उसने पूछ लिया कि पांचवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो वैसे तो सवाल कितना आसान है, और ये सवाल एसएससी में बन सकता है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत डीप टॉपिक है, आपसे सच्चाई छुपाई गई है कि बहुत आसान है, यही लेवल है, अगर इस पर रिसर्च की जाए तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इतनी मोटी बुक बन जाएगी सीआई पे, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, मैं बहुत नई नई चीजें मैंने खोज करी है सीआई में। क्लियर है? चलिए, पांचवें साल का कंपाउंड, सेकंड ईयर के का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, स्केलिंग फैक्टर 1/2, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 1.2 ये फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर से 1.2 ये आपका फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फिफ्थ ईयर का, तो 5000 1.2 × 1.2 × 1.2 यानी कि 1.728। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा 5 × 1728, 1785 और 140 8640 रुपीज। बताओ कितना आसान सवाल है, लेकिन कब आसान है, जब आपको कंसेप्ट पता हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन टफ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, और अभी हम इस पे और चीजें देखेंगे, ध्यान से समझना है, ये ट्री इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात आपको ये समझनी है, ये आपका 300 है, ये आपका कितना है, यहां पे आपका 30 है और ये आपका 1 है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूं कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया टोटल, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका फोर्थ, टोटल 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई, 4 साल का, 4 ईयर्स का सीआई, 4 ईयर्स का सीआई, अगर मैं ऐड करने बैठू तो कितना आएगा, 4000 + 600 + 40 + 1, 4000 600 4600 + 40 + 1, 4641 रुपीज, या 4641 रुपीज, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4641 रुपीज, 3-4 साल का, 4 ईयर्स का, मुझे बताना 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 1000 + 1000 + 1000 + 1000 कितना है, 4000 रुपए, 4000 रुपीज, ठीक है। हाँ, बताइए पिछली बार में भी ये बात, 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4000 रुपए, तो मुझे 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 641 रुपए, 641 रुपीज, 4 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये बॉक्स है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट टोटल ये बॉक्स है, जो ये ब्लू है, दिस वन, तो मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है 600 + 40 + 1, 641, ये क्या 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है, ये 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो यही नहीं है। क्लियर है? 641 रुपए। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज है, गौर से देखना कि अगर यहां पे 100 है तो यहां पे 200 है, यहां पे 300 है, 3 गुना है, 100 200 300 100 200 300, बात ध्यान रखनी, जो मैं बात बोलूं रट्टा मार लो, 100 200 300, यही रेशियो चलेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, अगर यहां पे 1 रुपया, यहां पे 2 रुपया, यहां पे 3 रुपया, यहां पे x है, यहां पे 2x होगा, यहां पे 3x होगा। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है?
अब मैं अगर गोल्डन रेशियो की बात करूं तो गोल्डन रेशियो है 4 साल के लिए 4:6:4:1 4:6:4:1 4:6:4:1 4:6:4:1 सो दिस इज गोल्डन रेशियो ऑफ सीआई इन फोर इयर्स 4 साल के लिए सीआई का ये क्या है गोल्डन रेशियो कैसे है 4000+1000+1000 कितना 4000 मतलब 4 100+200+300 600 10+30 40 40 मतलब 4 1 मतलब 1 क्लियर है कोई डाउट इसमें फोर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है 4:6:4:1 4:6:4:1 क्लियर है सेम यही एग्जांपल मैं लेता हूं प्रिंसिपल है आपका ₹10,000 रेट कितना है आपका 10% 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए समझते रहना भाई बात बहुत मजेदार चीज चल रही है अब कैसे निकला गौर से समझिए ₹1,000 10,000 का 10% ही तो होता है हजार फिर इस हजार का भी 10% 100 फिर 100 का भी 10% 10 फिर 10 का भी 1% 1 ऐसे कहानी चलती है सबसे पहले प्रिंसिपल 10,000 का 10% निकलता है जो कि आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इस हजार का भी 10% निकलता है जो कि आपका 100 होता है 100 को 6 बार लिखा जाता है फिर 100 का भी 10% निकलता है जो कि 10 रुपया होता है इसको कितनी बार लिखा जाता है 4 बार फिर 10 का भी 10% निकलता है जिसको केवल कितनी बार लिखा जाता है 1 बार फिर से सुनिए प्रिंसिपल 10,000 का 10% निकलता है जो कि ₹1,000 सिंपल इंटरेस्ट जो कि 4 बार लिखा जाता है तो 4 बार 1,000 का भी 10% निकलता है जो कि 100 रुपये होता है जिसको कितनी बार लिखा जाता है 6 बार तो 6 100 का भी 10% निकलता है जो कि 10 रुपया होता है उसको कितनी बार लिखा जाता है 40 यानी कि 4 बार 10 का भी 10% निकलता है जो कि 1 रुपया होता है उसको कितनी बार लिखा जाता है 1 बार तो अगर मैं सीधा ये रेशियो ही रट्टा मार लूं 4:6:4:1 तो 10,000 का 10% 1,000 फिर 1,000 का भी 10% 100 फिर 100 का भी 10% 10 फिर 10 का भी 10% 1 मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया तुम्हारा 4,000 6 × 100 कितना गया 600 4 × 10 कितना गया 40 प्लस 1 एकम कितना गया 1 तो 4,641 रुपए ये क्या है आपका 4,641 रुपए ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 इयर्स 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है सभी को बातें समझ में आ रही है तो ये ट्री आपको पूरा याद होना चाहिए ये वाला कि प्रिंसिपल का 10% 1,000 फिर उसका 10% फिर उसका 10% फिर उसका 10% ऐसे चलता जाता है लेकिन ये 4 बार लिखा जाएगा 100 6 बार लिखा जाएगा 10 4 बार लिखा जाएगा और ये 10 1 जो है 1 बार लिखा जाएगा ऐसे लाइन चली हुई है क्लियर सभी को बातें समझ में उसी को मैंने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया 4:6:4:1 यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे 2x होगा यहां पे 3x होगा क्लियर है सभी को बातें समझ में आई हैं बहुत ही ज्यादा आसान है क्लियर भाई अब समझिए ये तो एग्जांपल हो गया ठीक है ना अब मैं रेशियो को लिख देता हूं मैं गोल्डन रेशियोज यहां पे आपके फिर से लिख रहा हूं गोल्डन रेशियोज ठीक है 2 साल के लिए कितने था 4 2 years 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो आया कहां से वो क्या था 2:1 मैंने हर एक बात का प्रूफ समझाया आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आपको बुक्स में मिलेगा ना इंटरनेट पे मिलेगा तो बहुत कंफ्यूजन मिलेगा लोगों को आता ही नहीं उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं उन्होंने कभी चीजों को डेवलप करने की कोशिश नहीं की तो 2 साल का कंपाउंड टेस्ट 2:1 अगर 3 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो ये रेशियो हो जाएगा 3:3:1 4 साल के लिए अगर आपको कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो ये रेशियो हो जाएगा 6:4:1 4:6:4:1 ये गोल्डन रेशियो है इसको आपको याद रखना है क्लियर है सभी को समझ में 2 साल का कंपाउंड टेस्ट 3 साल का कंपाउंड टेस्ट 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सभी को बातें समझ में आ रही हैं क्लियर अब देखिए अब मैं इसके कुछ आपको और एप्लीकेशन भी बताता हूं जैसे एप्लीकेशन अब इन रेशियो के एप्लीकेशन समझिए ट्री तो आपको समझ में आ गया होगा अब इसके रेशियो के एप्लीकेशन समझिए जैसे फर्स्ट ये 3:2 अगर आपका रेट दे रखा है 5% रेट पर एनम कितना दे रखा है 5% क्लियर है समझ में आ रहा है रेट कितना दे रखा है 5% तो मुझे बताना है 3 साल का रेट है 5% पर एनम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मतलब परसेंटेज में कितना होगा अब मुझे पता है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो 3:3:1 है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 3:3:1 है 3 साल में कितना सीआई मिलेगा ये मैंने मुझसे पूछा है तो देखिए प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 प्रिंसिपल 100 यूनिट 100 यूनिट में जो भी चीज आप कैलकुलेट करोगे वो सीधा परसेंटेज में आती है 100 यूनिट अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो 100 यूनिट का 5% कितना जाएगा तुम्हारा 5 फिर 5 का भी 5% कितना जाएगा 0.25 फिर 0.25 का भी 5% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये तुम्हारा 0.125 बटे 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0125 क्लियर है 0.0125 ये बात समझ में आई है क्लियर है कोई डाउट है इसमें किसी को 0.0125 समझ में आया कि नहीं ठीक है अच्छा 0.0125 ठीक है भाई 100 का 5% 5 समझ में आया फिर 5% इस 5 का भी 5% 0.25 का 5% 0.0125 तो 3 × 5 करेंगे कितना आएगा 15 3 × 0.25 करेंगे कितना आएगा 0.75 प्लस 1 × 0.125 करेंगे तो 0.0125 तो कितना आएगा ऐड करके 15.7 5 × 6 15.7625 यानी कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर 3 साल में ब्याज कितना मिला 15.7625 ब्याज मिला 15.7625 ब्याज मिलने का मतलब
तीन साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? तीन साल में 15.7625% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तीन साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 15.7625% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तीन साल में। क्लियर है? तीन साल में 15.7625% सीआई मिला। कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सभी को बात समझ में आई होगी ये। क्लियर है? मैं और भी एग्जांपल लूंगा, टेंशन काहे लेते हो, टेंशन क्यों लेते हो, और मैं इसको और आसान तरीके से भी बताऊंगा, और आसान तरीके से भी, गौर से समझना। प्रिंसिपल है सपोज आपका, मैंने ले लिया प्रिंसिपल है सपोज आपका 20%। प्रिंसिपल कितना है सपोज आपका 20%, और आपसे बताना है कि तीन साल का सीआई, तीन साल में कितना कंपाउंड प्रिंसिपल रेट 20% है, तो तीन साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इफेक्टिव रेट आपको बताना है। तो मुझे बताओ 3:3:1 होता है, तीन साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 3:3:1 होता है। अगर मैं प्रिंसिपल को कितना मान लूं, 100 मान लूं, 100 ईंट, तो 100 का 20% 20, 20 का भी 20% 4, 4 का भी 20% यानी कि 0.8 हो गया। तो 20 × 3 60, 3 × 4 12, 1 × 0.8 0.8 यानी कि कितना 72.8, यानी कि 100 रुपए पर तीन साल में कितना सीआई मिला, 72.8, 100 रुपए पर 72.8 मिला, तो कितने परसेंट मिला, 72.8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो इस तरीके से आप नेट इफेक्टिव रेट आसानी से निकाल सकते हो इस रेशियो का यूज करते हुए, इस रेशियो का यूज करते हुए। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई हैं यहां तक? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चार साल का ही बताना है, मैं चार साल का भी आपको बताऊंगा, गौर से देखो रेट कितना है मेरे भाई, 20% रेट कितना है, 20%। अगर रेट 20% है, आपको बताना है कि चार साल में कितने परसेंट कंपाउंड मिलेगा, चार साल में कितना कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, ये बताना आपको। तो मुझे बताओ कि चार साल के लिए गोल्डन रेशियो मैंने क्या याद करवाया, चार साल के लिए याद करवाया 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूं, 100, तो 100 का 20% कितना होगा 20, फिर 20 का 20% कितना होगा 4, 4 का 20% कितना होगा 0.8, 0.8 का 20% कितना होगा 0.16, और सीधा सीधा 20 चौक कितना चला जाएगा 80, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 4 × 8 = 32, 3.2 प्लस 0.16, तो कितना हो जाएगा 0.36, 24 × 3 = 27 और 80 × 27 यानी कि 107, तो 107.36 आ गया, यानी कि 100 रुपए पर चार साल में 107 से किया हमने, 0.36 × 24 = 27 + 80 = 7 और 8 = 10 ब्याज मिला, यानी कि चार साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 107.36%। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आपने देखिए इस रेशियो की मदद से कितना आसानी से निकाल लिया, सभी को बातें समझ में आई, चार साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा। आप इसको ट्री वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, ट्री वाले मेथड से भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 20%, आपको बताना है कि चार साल में कितना सीआई मिलेगा, चार साल में कितना सीआई मिलेगा। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100, भाई 100 यूनिट पे तो निकालोगे परसेंटेज, तो 100 का 20% पहले साल में 20 होगा, अगर ये 20 है तो ये 20 होगा, यहां 20 होगा, यहां 20 होगा, तो कितना जल्दी सोचते हैं। फिर 20 का 20% कितना होता है 4, अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, तुम्हारा 12 होगा, सही बात है। अब इस चार का भी 20% कितना आएगा 0.8, इस 12 का भी 20% कितना आएगा 2.4, अगर यहां पे 0.8 है तो यहां पे 2.4 आ गया, देखिए 1:3 के रेशियो में चलता है, 1:2:3 में और 1:3 में चलता है, 10 × 30 है, 0.8 है तो यहां पे 2.4 आएगा, सही है। क्लियर है? 0.8 का भी 20% 0.16, सबको ऐड कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा 107.36। क्लियर है? कोई डाउट है? तो देखिए आपका ट्री वाले मेथड से भी निकल गया, समझ में? तो आपको एक गोल्डन रेशियो समझ में आए होंगे, सिंपल सी बात थी ना। अब देखिए, अब मैं आपको और नई चीज सिखाता हूं। क्लियर है? तो कंसेप्ट चल रहा है, बड़ा डिटेल में कॉपी में लिखते रहना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है 1500 रुपए, प्रिंसिपल है 1500 रुपए, सही बात है, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपए, और आपका रेट परसेंट सपोज मैंने कर दिया 12%, तो मुझे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल है 1500, रेट है 12%, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो एक तो हो गया तुम्हारा परसेंटेज वाला तरीका, एक हो गया रेशियो मेथड, अब मैं सिखा रहा हूं आपको ट्री मेथड से, तो ट्री से समझिए। तो कुछ स्टूडेंट कैसे करेंगे कि ट्री बनाएंगे कि पहले 1500 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा 180 आएगा, फिर यानी कि पहले साल में इतना मिलेगा, दूसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड ईयर में, 1500 का 12% 180 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 180 का, ये 180 का भी 12% है, 180 का भी 12% यानी कि कितना 216 हो जाएगा, क्या 12×96 का चांस लेकिन 12×12 = 21, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा आपको, टोटल 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया 21.6 रुपए, 21.6 रुपीज, 21.6 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, क्या आ गया डिफरेंस 21.6 रुपए, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया 21.6 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई, 21.6 रुपीज। क्लियर है? लोग फॉर्मुला भी याद रखते हैं, फॉर्मुला याद करने वाले कतई बेवकूफ होते हैं, बिल्कुल याद नहीं रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, डिफरेंस कितना 21.6 रुपए, ऐसे निकालना। तो ट्री मेथड था। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आपको गोल्डन रेशियो क्या बताया, मैंने आपको गोल्डन रेशियो क्या बताया, 2:1, 2:1, समझ में आया कि नहीं? अब 2:1 जो एक होता है, एक्चुअली मैं एक बार ट्री और बना चाहूंगा, 1500 का 12% होता है 180, इसका 12% होता है 180, 180 का 12% कितना होता है 21.6, तो देखिए 180 दो बार लिखा गया यानी कि 2:1, 21.6 एक बार लिखा गया यानी कि 2:1। ये जो 180 है, ये है कि एक्चुअली ये आपका 1500 का 12% है, तो 1500 का 12% कितना है तुम्हारा 180 रुपए का,
180 रुपए आएगा, तो 180 इंटू 2 फिर 180 का भी 12% कितना आएगा, 21.6 आएगा, 21.6 रुपीस। अब मुझे बताना कि अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना हो तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इन सबको जोड़ दो, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 180 गुणा दो 360 प्लस 21.6। अगर मुझे केवल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो भाई, अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकालूंगा, 2 गुणा 180 360 प्लस 1 गुणा 21.6 ऐड कर दे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2 गुणा 180 यानी कि 360, ये 360 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 2 गुणा 180 प्लस 21.6, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये 2 गुणा 180। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, 1 गुणा 21.6 यानी कि 21.6 रुपए, यानी कि ये क्लियर है। तो आप इस डिफरेंस को डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, गौर से समझने की कोशिश करना कैसे, रेशियो कितना होता है आपका 2:1 होता है रेशियो, सही है। 1500 का 12% कितना होता है, 180 होता है, 180 का 12% कितना होता है, 21.6 होता है, 21.6 into 1, यही क्या है, यही आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यही 21.6, क्लियर है। तो देखिए आपने वर्बली सवाल कर दिया, 21.6 समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, चलिए ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए मैं आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास प्रिंसिपल है पी, रेट है आपका आर परसेंट, रेट कितना आपका आर परसेंट, तो अगर मैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा पी आर बाई 100, पहले पी आर बाई 100 कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पी आर बाई 100, जितना ये उतना ही मिलेगा भाई, पी का आर परसेंट यानी कि पी इंटू आर बटे 100, दूसरे साल पी इंटू आर बटे 100। अब जो सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो पी आर बाई 100 का आर परसेंट ही तो मिलेगा, पी आर बाई 100 का आर परसेंट, तो पी आर बाई 100 का आर परसेंट यानी कि पी आर बटे 100 इंटू आर बटे 100, आर परसेंट का मतलब क्या होता है आर बटे 100, तो ये आएगा तुम्हारा पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर ये आएगा। तो ये P into R by 100 का होल स्क्वायर, यहां पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा ये होती है P into R by 100 का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू क्या होती है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया तुम्हारा P into R by 100 का होल स्क्वायर, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। कुछ स्टूडेंट फॉर्मूले को भी याद करते हैं जो कि याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यहां पे वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक ही चीज याद रखो, 1:1 याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूं 1500 रुपए और रेट मानता हूं मैं 12% और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इसका डिफरेंस पूछू 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए पूछेंगे तो फॉर्मूले में स्टूडेंट रख के बनाएंगे, पी की जगह यहां पे 1500 रखेंगे, आर की जगह 12/100 यानी कि 0.12 में हो जाएगा ना, तो 0.12 का 44 यानी कि 0.1144 हो जाएगा, तो 15 × 1.44 ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 21.6, क्लियर है, सभी को बातें समझ में आई है ना, 15 × 1.44 नहीं ये 0.014 आएगा ना, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, 12/100 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, 0.01144, तो 15 × 1.44 क्लियर है, 21.6। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूले के तरीके से, लेकिन लेकिन गौर से समझना, मैं कहता हूं कितना याद करने की जरूरत ही नहीं, इतना याद करने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 1500, रेट कितना है, रेट कितना आपका 12%, रेशियो क्या है 2 साल के सीआईएसआई का 2:1, ये जो 1 है ना यही डिफरेंस होता है, 1500 का 12% कितना आएगा तुम्हारा 180, 180 का भी 12% कितना आएगा 21.6, 21.6 into 1 क्या आएगा आंसर 21.6, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर, सभी को बातें समझ में आई है यहां तक की, क्लियर है ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब और एक चीज हम समझेंगे ठीक है, आप देखिए गौर से समझिए, मैंने आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या बताया 3:1, अब सपोज आपके पास है प्रिंसिपल पी, रेट है आपका आर परसेंट, आपको कैलकुलेट करना है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये आपको निकालना है, क्लियर है। तो अगर प्रिंसिपल पी है तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला पी का आर परसेंट यानी कि पी आर बटे 100 मिलेगा, अगर प्रिंसिपल आपका क्या है प्रिंसिपल आपका पी है रेट आर परसेंट है, तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट आपको पी आर बटे 100 ही मिलेगा, तीसरे साल भी आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है, थर्ड ईयर में भी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो पी आर बटे 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, गौर समझते ना, चुटकियों में बताऊंगा चुटकियों में। अब यहां पे आपको जो मिलेगा पी आर बाई 100 का आर परसेंट, पी आर बाई 100 का आर परसेंट यानी कि पी आर बटे 100 इंटू आर बटे 100, तो पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अगर यहां पे पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर है तो नीचे डबल वैल्यू आती है 2 × PR/100 का होल स्क्वायर आएगा, क्लियर है। यहां पर जो आएगा पी आर बाई 100 के होल स्क्वायर का भी आर परसेंट आएगा निकल के, इसका भी आर परसेंट, तो इसका भी आर परसेंट यानी कि आर बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी इंटू आर बाई 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, पी इंटू आर बाई 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सारा है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या ये नहीं है, यही डिफरेंस 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यही है कि नहीं, अरे बताइए कोई डाउट है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये कितना आएगा 3P, ये आएगा आपका 3P P2+1 3 PR/100 का होल स्क्वायर प्लस
पी आर वाई 100 का क्यूब, क्लियर है, ये आएगा रिजल्ट। अब मैं कहता हूं कि यहां पे 3:3 है और ये 1 है, मैंने गोल्डन रेशियो जो बताया आपको 3 साल के लिए 3:3:1 बताया था, क्लियर, ठीक है ना, 3:3:1, इस लाइन को गौर से देखना, 3:3:1। अच्छा पहले मैं इसको बता देता हूं, डी बराबर यहां से क्या कॉमन आया, यहां से कॉमन आएगा आपका पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बचेगा यहां से 3, और यहां से क्या बचेगा ब्रैकेट में आर बाई 100, ये बचेगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100, 300 प्लस आर बटे 100। तो ये फॉर्मूला होता है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का, जिसे स्टूडेंट रट्टा मारते हैं बेवकूफों की तरह, जो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली यहां से आया। तो अगर मैं इतना कुछ बवाल करूं ना, मैं सीधा इसके बेसिक को ही समझ लूं, ये आया कहां से, तो आप समझ जाओगे यहां पे क्या दिखता है तुमको 3:1। अब गौर से देखिए, अब दिखाता हूं मैं तुमको मैजिक, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिफरेंस को निकालने का मैजिक। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने एक एग्जांपल लिया कि प्रिंसिपल है सपोज आपका कितना ले लेते हैं 12,000 रुपए, प्रिंसिपल है आपका सपोज 12,000 रुपए, प्रिंसिपल है आपका 12,000 रुपए, रेट है आपका, नहीं 12,000 नहीं, प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपए और रेट है भाई आपका 12%, रेट है आपका 12%, 10% ले लेते हैं, रेट है आपका 10%। तो आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके, पहला तो ट्री बना के करो, ट्री बना के कर लोगे, दूसरा फॉर्मूला सभी रट्टा मार रखा है, डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100, ये आ जाएगा, सही है ना बात। तो देखिए ये कितना का 1/10, तो 10,000 इंटू 1/10, ये कितना का 310/100, तो देखिए कट गया 3 जीरो कट गया कि नहीं, क्लियर, 1/100 आएगा ना, 1/100 आएगा यहां से, ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या आंसर 310 रुपए, 310 रुपए ऐसे निकालेंगे। एक नंबर का वही याद तरीका है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं इस तरीके से, इससे आसान तो आप ट्री ही बना लीजिए, ट्री ही बना लीजिए कि 1,000 का 10% कितना मिलेगा 1,000 रुपए मिलेगा, 1,000 का 10% 1,000 मिलेगा, फिर यहां पे देखो 10,000 का 10, 1,000 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, यहां पे 100, यहां पे 200 और यहां पे 10, कितना है डिफरेंस 310, देखिए वर्बली आ गया आंसर, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं और भी आसान तरीका बताऊंगा, मैंने आपको गोल्डन रेशियो क्या बताया, मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का 3:3:1, क्लियर है। अगर मैं ट्री बनाऊं तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर के लिए 1,000, ये कितना मिलेगा 1,000, ये कितना मिलेगा 1,000, यहां पर कितना आएगा 100, यहां पर कितना आएगा 200 और यहां पर कितना आएगा 10, बोलो यही कहानी जाएगी, यही कहानी जाएगी। इस रेशियो की मदद से मुझे बताओ जरा कितना आ जाएगा तुम्हारा 10,000 का 10% यहां पे 1,000 आना चाहिए, 1,000 का 10% 100 आना चाहिए, 100 का भी 10% 10 आना चाहिए, 3,000 + 300 + 10, तो 3,310, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और ये क्या है 3 × 1,000 का मतलब ये क्या है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3,000 रुपए है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बचा 310 रुपए, और उन तीनों का डिफरेंस निकालने के लिए 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए केवल आपको ये चीज चाहिए 3:1, यानी कि गौर से समझना, यहां पे तो ये आपका ये आएगा 3:1 में 1,000, 100 और ये 10, ऐसे हो जाएगा कि नहीं 1,000, 100 और 10, अगर आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो यही आपके 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यही जो वैल्यू लिखे 3 × 100 = 300, 1 × 10 = 10, कैसे आया 100 + 200 = 300, यानी कि 3 × 100 + 10 × 1 = 10, तो ये आपको याद रखना है 3:1, 3:1, क्लियर है। जैसे मैंने आपको 2 साल के लिए सीआई के डिफरेंस में तरीका क्या बताया, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस का तरीका क्या बताया मैंने आपको बताया 2:1, याद रखिए क्या है 2:1, तो ये जो 1 है ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसी तरीके से ये जो आपका 3 साल का है तो ये जो 3:1 है ये आपके 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, क्लियर है। पूरी पीएचडी करा दूंगा मैं, चिंता मत करो, यहां तक बात समझ में आई है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बात मैं और बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास है प्रिंसिपल 10,000 रुपए और आपके पास है रेट 10%, तो 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अब इसके लिए फॉर्मुला कैलकुलेट करना, उसको याद रखना, तो फॉर्मुला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फॉर्मुले की हमको जरूरत भी नहीं है। एक मेथड तो है ट्री वाला, दूसरा क्या है कि अगर आपको ट्री बना के दिखाऊं तो ये 1,000, ये 1,000, ये 1,000 और ये 1,000, क्लियर है, कोई डाउट। यहां पे 1,000 का 10% 100, यहां पे 200, यहां पे 300, यहां पे ये कितना हो जाएगा 10, यहां पे 30 और यहां पे 1, ये बन जाएगा ट्री। अब मैं देखो सीधा सीधा बताऊंगा, क्लियर सी बात है भाई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेशियो क्या बताया था, गोल्डन रेशियो 4:6:4:1 बताया था ना। 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% होता है इंटरेस्ट तुम्हारा 1,000 रुपए, फिर 1,000 का भी 10% कितना होता है 100, 100 का भी 10% 10, 10 का भी 10% कितना होता है 1,
अब यहां पे अगर मुझे चार साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो सबकी गुणा करके ऐड कर दो, 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 4641। अगर मुझे चार साल का केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट तो 4000 सिंपल इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग में दे रखा है 4000, और इनके बीच का अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस कितना है 641। और मुझे बताओ कि ये डिफरेंस है क्या, ये डिफरेंस जो है क्या आपका ये नहीं है, ये जो बाजू में 6:4:1 6 × 2 = 640 + 1 = 641, तो ये होता है डिफरेंस के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? चार साल के लिए सीआई और एसआई के डिफरेंस के लिए रेशो याद रखना है 6:4:1। मैं हर तरीके से आपको सवाल कराऊंगा, गौर से समझना, ठीक है? तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का निकालना हो डिफरेंस डी, ठीक है ना, डिफरेंस निकालना हो डी, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो आपको दो साल के लिए, यानी कि डी टू, तो इसके लिए रेशो याद रखना है आपको 2:1, तो ये जो आपका 1 के साथ जो चीज आएगी वो आपका डिफरेंस होगी। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए यानी कि D3, गोल्डन रेशियो क्या आपका 3:3:1, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी 3 साल का डिफरेंस आएगी 3:1 के सामने जो चीज आएगी। अगर आपको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 4 साल के लिए डिफरेंस, 4 साल के लिए डिफरेंस यानी कि D4, तो ये आ जाएगा रेशियो क्या होता है 4:6:4:1, सही है? तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। समझ में आया? क्लियर है सभी को? बात समझ में आई है ना? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, गौर से समझना, दो चीजें और, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस, क्योंकि सारी थ्योरी में एक साथ बता रहा हूं, आपको कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। क्या बोला मैंने? जो मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं एटलीस्ट ये आपको 5 बार रिवाइज करना है, तब जाके आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट होगा, आपको समझ में आएगा। तो 5 बार आपको ये रिवाइज करना है। क्लियर है? अब देखिए गौर से समझते रहना, गौर से, प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 रुपए, रेट कितना है आपका 10%, और आपको कैलकुलेट करना है 4 साल के कंपाउंड, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, 4 साल के कंपाउंड, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मेथड इज ट्री मेथड, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, तो ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट साल के लिए। सेकंड में आएगा आपका 10,000 और 1,000 का भी 10% 100। थर्ड ईयर में क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1,000 प्लस यहां पे कितना आएगा 200 और 100 का 10% यहां पे कितना आएगा तुम्हारा 10। ये बात समझ में? अगर मुझे 3 साल का कंपाउंड चाहिए तो सबको ऐड कर लेंगे 3,310 माइनस, कंपाउंड 2 साल का चाहिए तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2100 माइनस 2100, तो ये कितना आया, ये आ गया आपका 3 × 1 = 2 = 1210 रुपए, कितना आएगा 1210। एक्चुअली 1210 रुपए बचा क्या, ये है क्या, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछा जा रहा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है, तो ये पूछना चाह रहा है आपका 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को घटा दोगे तो क्या आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बच जाएगा, तो ये पूछना चाह रहा है आपको घुमा फिरा के CI of third year, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये है इसका मेथड ट्री बना के करने का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI of third year। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? पर मैं इसको और भी आसान तरीके से करके बताऊंगा। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है 3:3:1, ये 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो है 3:3:1। जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं ना, गारंटी है, कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट को सिखाता हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये सब चीजें सीखना, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, यूट्यूब पे सिखाने की बात कुछ और होती है, लेकिन अगर आप उनके असली कोशिश में जाओगे तो वहां पे वो कुछ भी दम नहीं है उसमें, ठीक है, या फिर वो सिखाने नहीं चाहते या फिर उनकी एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से जोश लगा के सिखाना चाहता हूं अभी। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो कितना है 3:3:1 के लिए 3:3:1, 2 साल के लिए कितना है 2 साल के लिए है 2:1, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2:1। अब मुझे बताइए कि अगर आपको तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, या फिर थर्ड ईयर का, केवल थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल थर्ड ईयर का, तो मुझे बताइए इसमें 1000 कितनी बार लिखा हुआ था, 1 बार, तो इसको माइनस करो जरा, इसको माइनस करो जरा, 3:2 क्या आया, ये आया आपका 1, 200 कितना लिखा हुआ था 200 मतलब 100 कितनी बार लिखा हुआ था 2 बार, तो माइनस करो 3 × 1 = 2, 10 कितनी बार लिखा होता है 1 बार, तो माइनस करेंगे 1 माइनस ये 1 ही रहेगा, तो 1:2:1 ये आपका रेशियो बन गया। मतलब ये जो भाई, ये 3 किसको डिपेंड कर, ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 1000 के 3 गुने को, ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 100 के 3 गुने को, ये 10 किसको रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ये 10 के 1 गुने को, है कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो? लेकिन 1000 तो केवल थर्ड ईयर में 1 बार ही रह गया, तो देखिए मैंने ये माइनस कर दिया भाई, 3 साल में ये 1000 कितनी बार आएगा, 3 साल में 1000 कितनी बार आएगा 3000, 2 साल में 1000 कितनी बार आएगा 2 बार, तो माइनस करोगे तो 1 ही बार रह गया, 3 साल में ये 100 कितनी बार आएगा 3 बार, 2 साल में 100 कितनी बार आएगा 1 बार, तो माइनस करोगे 2 रह गया, तीसरे साल में 10 कितनी बार आएगा 1 बार, 2 साल में नहीं आएगा तो ये 1 रह गया, तो अगर मुझे ये मेरा गोल्डन रेशियो आ गया, दिस इज योर गोल्डन रेशियो 4, दिस इज योर गोल्डन रेशियो 4 सीआई ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए गोल्डन रेशियो आ गया 1:2:1। एक लाइन में आंसर बता सकते हो कि 1000 का अगर तुमको 10%, देखो वही 10000 का 10% यहां पे कितना आएगा 1000, 1000 का 10% कितना आएगा 100, 100 का 10% कितना आएगा 10, गुणा करके जोड़ दो 1000 × 1000 + 200 + 10, कितना आ गया आंसर 1210 रुपए, तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 1210 रुपए, खत्म।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, 1210 रुपए कोई भी है, ये गोल्डन रेशियो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। क्लियर है, सभी को समझ में आई है यहां तक की बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं आपको लास्ट एक और चीज समझाऊंगा, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन को अभी हटा देता हूं। ओके, नाउ लास्ट चीज आपके पास है प्रिंसिपल 10,000 रुपए। क्लियर है बात यहां तक? रेट है आपका 10%, आपसे पूछा 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये पूछा। तो पहले ट्री बना लेते हैं, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। बोलो, नहीं बोलोगे पीट दूंगा। ठीक है, तो यहां पे 10,000 का 10% कितना आएगा? 1000। ये कितना आएगा तुम्हारा भाई? 1000। ये कितना आएगा भाई आपका? 1000। ये कितना आएगा? 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट है। फिर 1000 का 10% 100 मिलेगा, यहाँ पे 200 मिलेगा, फिर इसका भी 10% 10, फिर ये कितना मिलेगा आपको? 300। इसका 10% 30, 10 का 10% 1। ये बात समझ में आती है? 3000 का 10% 300, 300 का 10% 30, 10 का 10% 1, 10% 10% 10% होता जा रहा है। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4 साल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सबको जोड़ डालो, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 14, कितना जाएगा तुम्हारा? 4641। 4641 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ डालू 3310, 3310 और इसको माइनस कर रहे हैं कितना? 4641 माइनस 3310, तो यह आ जाएगा 1331 रुपए आ जाएगा। ये है क्या? 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब पूरा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब इस लाइन से ऊपर। तो 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करोगे तो बचेगा क्या? सीआई ऑफ फोर्थ ईयर बचा। तो कुछ मिला के घुमा फिरा के पूछना चाह रहा है सीआई ऑफ फोर्थ ईयर, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या बताया है, कैलकुलेट करना है। तो 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 4:6:4:1, सो दिस इज योर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने गोल्डन रेशियो क्या बताया? 3:3:1, तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझसे पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस ये किसको डिनोट करता है? 1000 को, ये 100 को, ये 10 को, ये आपका 1 को। क्लियर है? नाउ चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 तो केवल एक ही बार रहेगा, तो 4, देखिए 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 कितनी बार आएगा? 4 बार। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 बार, तो माइनस करो कि 1000 कितनी बार आएगा? 1 बार। 6 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 3 बार। 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 कितनी बार आता है? 6 बार। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 कितनी बार आता है? 3 बार, तो डिफरेंस आएगा 3। ये हर वैल्यू के लिए चलेगा रेशियो। 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 कितनी बार आता है? 4 बार, लेकिन 3 साल में 10 कितनी बार आता है? 1 बार, तो डिफरेंस कितना आएगा? 3 और ये 1। तो ये क्या आ गया? ये आपका गोल्डन रेशियो आ गया कैलकुलेट करने का, सीआई ऑफ फोर्थ ईयर, सीआई ऑफ फोर्थ ईयर, चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। चौथे साल का कैसे? प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1000। फिर 1000 का भी 10% कितना हो गया? 100। 100 का भी 10% 10, 10 का भी 10% 1, तो 1000 × 1000 प्लस 300 प्लस 10 30 प्लस 1, तो 1331 रुपए आ गया आपका टोटल चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान बात थी थ्योरी। मैंने आपको घंटे भर से ज्यादा लेके चीजें समझाई, बहुत ज्यादा डीप और न्यू कंसेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई फॉर्मुला नहीं। मैंने आपको ट्री मेथड भी सिखाया, मैंने उसका रेशियो एप्लीकेशन भी डायरेक्ट सिखाया है, मैंने आपको फॉर्मुला भी सिखाया है। किधर गया फॉर्मुला? मैंने आपको फॉर्मुला के डिसएडवांटेज भी बताए हैं, मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम क्या है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।